सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। कोरोना वायरस से देश दहशत में घिरता जा रहा है। देश भर में कोरोना वायरस के अब तक 81 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि केरल में एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। ऐसे में कई राज्यों की तरफ से कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है। हरियाणा सरकार भी कोरोना को लेकर अलर्ट है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विभाग के अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में अहम बैठक की और प्रदेश में होने वाली रैलियों, सामूहिक कार्यक्रमों पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। हालांकि अनिल विज ने कहा कि वे स्कूल बंद करने के पक्ष में नहीं है। कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश भर में 100 से ज्यादा कैंप लगाकर मुफ्त दवाइयां बांटी जाएंगी और जो भी नए आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आज हमने सारा रिव्यू किया है कोरोना का कि क्या क्या हम कर रहे हैं और क्या क्या हमको करना है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए कि एक तो सभी प्रकार की रैलियों पर हमने बैन लगा दिया, चाहे वो राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, धार्मिक हैं या खेलों का आयोजन होता है तो उसमें भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, उस पर आगामी आदेशों तक बैन लगा दिया गया है। उसी प्रकार से स्कूल बंद करने के हम पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर बच्चों को कहीं फ्लू के सिम्टम हैं तो उन बच्चों को वो स्कूल में ना भेजें, पेरेंट्स स्कूल में ना भेजें। और किसी भी अस्पताल में जो हमने फ्लू सेंटर बनाए हैं, सरकारी अस्पतालों में भी और प्राइवेट अस्पताल में भी, वहाँ पर जाकर दिखाएं। आयुर्वेद ने, होम्योपैथी ने, आयुष विंग ने भी इसमें अपनी भूमिका अदा करने के लिए कहा है। तो 100 कैंप सारे हरियाणा में लगाए जाएंगे, जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ और होम्योपैथिक दवाइयाँ, यूनानी दवाइयाँ फ्री बांटी जाएंगी, जो कोरोना को रोक सकें।